सो गाइज़, ये हमारा सेकेंड पार्ट है स्कॉडा रैपिड का, जो हमारा काम हो रहा है मॉडिफिकेशन का। तो उसमें आपको बता दें अभी क्या क्या काम हो चुका है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर जो हमारा डैशबोर्ड है वो पेंट हो गया है, तो आप यहाँ पर देखें, और इंस्टॉल भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड है चॉकलेट कलर में पेंट किया गया है, जो उसका बिफोर व्यू आप देख सकते हैं इसके पहले वाले पार्ट में। और यहाँ पर ये पूरा जॉब यहाँ पर कर दिया गया पेंट जॉब। तो ये हैवी क्वालिटी का पेंट यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कंसोल देखेंगे तो कंसोल भी फुल पेंटेड हो गया है। यहाँ पर आप देखें आर्मरेस्ट, सीट कवर जो हमारे अगले हैं बेज एंड चॉकलेट कलर्स में, ये अभी होने वाला है। सीट कवर्स का काम भी अभी जो है पेंट जॉब है इस गाड़ी के अंदर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अभी जो टच स्क्रीन है वो लगने वाला है। स्टेयरिंग रैप भी यहाँ पर 10 चॉकलेट कलर में कर दिया गया है। तो अब जो डैशबोर्ड का काम है ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। अब जो म्यूज़िक सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका काम अभी चल रहा है। तो आप यहाँ देखें अनप्लग ब्रांड के जो डैम्पिंग सीट हैं वो अभी इसमें लगाई जा रही है, प्रॉपरली इंस्टॉलेशन अभी होगा। यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स हैं वो अभी लगने वाले हैं। तो ये हमारे जो स्पीकर्स हैं अभी इस गाड़ी के अंदर लगने वाले हैं, 6 इंच के स्पीकर, डोर्स वाले स्पीकर्स हैं। बाकी देखो अनप्लग की जो डैम्पिंग सीट है अभी रियर वाले डोर्स में भी इंस्टॉल होने वाली है। सीट कवर्स आप देख सकते हैं हम लोग ने कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, जो चॉकलेट एंड 10 कॉम्बिनेशन के। रियर साइड में भी कंपोनेंट स्पीकर्स लगने वाले हैं। तो अभी ये काम अभी चल रहा है। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है टच स्क्रीन वाला वो अभी यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। तो जो गाड़ी का है काम वो होना है, ऊपर में जो ब्लैक वाला जो विनाइल रैप है वो कर दिया, अभी धूल लग गई इसके कारण आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ देखो ब्लैक कलर का विनाइल इसके ऊपर हो चुका है। गाड़ी अभी हमारी पूरी अब जाने वाली है पेंट जो आपके लिए जाएगी। पीछे के टेल लैंप्स अभी ऑर्डर किए हैं तो अभी वो आने वाले हैं हमारे पास में, तो वो भी यहाँ पर लगेंगे। और जो हेड लैंप्स है वो हमारे इस गाड़ी का रेडी हो गया, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स जो कि यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर हेड लैंप्स लगेगा और ये अभी हम लोग लगाने वाले हैं। तो जो हेडलैम्प्स है इसमें आप देखो यहाँ पर इस जगह पे प्रोजेक्टर्स डाल दिए गए हैं और पूरे DRL के साथ में। तो ये भी अभी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होने वाली है। स्टॉक वाला हेडलैम्प था जिसके अंदर प्रोजेक्टर्स और DRL डाले गए हैं, तो ये काम भी अभी हो चुका है, हेडलैम्प्स भी हमारे लग जाएंगे। बाकी सीट कवर्स आप देख सकते हैं चॉकलेट एंड 10 कलर के बकेट सीट कवर्स का काम यहाँ पर हो चुका है, हेडलैम्प्स हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए तो हमारे जो सारे डोर्स पैनल है उसमें भी पेंट जॉब कर दिया गया है और लेदर रैप भी इसमें किया गया है। तो ये जो हमारे चॉकलेट और बेज कॉम्बिनेशन के डोर पैनल से इंटीरियर भी चॉकलेट एंड बेज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने रेडी कर दिया है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर इसे ओपन किया जिसमें हम लोगों ने लगा दिए हमारे DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे में भी हम ब्लू लेंस वाले प्रोजेक्टर्स फॉग लैंप्स डाल रहे हैं, तो वो काम यहाँ पर भी चल रहा है। DRLs आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि काफ़ी शानदार हैं और इसमें आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो DRLs येलो लाइट के साथ इंडिकेटर के साथ में आएंगे, दोनों साइड में इसका इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। साथ ही साथ हम बात करें तो इसमें जो हॉर्न है वो भी हॉर्न निकाल के मोको ब्रांड के ट्रम्फेट हॉर्न यहाँ पर दो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये जो फ्रंट लुक है ना गाड़ी का उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और साथ ही साथ नीचे में देखेंगे तो दो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आपको नीचे में भी देखने को मिलेंगे, ब्लू लेंस वाले हैं और ये मोको ब्रांड के PL03 मॉडल है, 2 साल की वारंटी में आते हैं। तो ये देखिए इसका प्रॉपर कैनवस के साथ में यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है जिससे जो नाइट का व्यू है फ्रंट फोकस आपको काफ़ी शानदार मिलने वाला है। तो ये देख सकते हैं इसमें छोटा वाला लेंस भी लगा हुआ है, नीचे में बड़ा लेंस लगा है, ब्लू लेंस प्रोजेक्टर फॉग लैंप से कहा जाता है। 92 वॉट के LED इसमें ऑलरेडी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, 2 साल की वारंटी में आते हैं। तो ये भी हम लोगों ने गाड़ी के अंदर लगा दिया। तो ये बम्पर हमारा फ्रंट साइड का जो बम्पर का काम था, हेडलाइट का काम था, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी हम इस गाड़ी के अंदर फ्रंट विंडशील्ड में फ्रंटी लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गरवारे की सन कंट्रोल फ्रंटी ये फिल्म यहाँ पर लगाई गई है, इससे क्या गाड़ी के अंदर ठंडक रहती है, डायरेक्ट जो सनरेज आती है ना उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो पूरा सेट आता है फ्रंट विंडशील्ड के लिए, तो इसे यहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऊपर में जो विनाइल रैप है ब्लैक कलर का वो भी हम लोगों ने कर दिया है। अभी जो फ्रंटी वाला काम है ये अभी चल रहा है, ये आपको और मैं बता देता हूँ। ये आप अपनी किसी भी गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इसकी कटिंग की जाती है फिर इसको अंदर साइड से लगाया जाता है। देखो अंदर करने के लिए पहले इस ग्लासेस को अच्छे से साफ किया जाता है, उसके बाद में जो फिल्म है उसको लगाया जाता है। इससे क्या होता है जो डायरेक्ट सन रेज आपकी गाड़ी के अंदर एंटर करती है ना तो वो अंदर धूप को है ना कूल करके रखती है, तो ये चीज़ बढ़िया है। तो ये भी हम अपने कस्टमर को लगा के दे रहे हैं इस गाड़ी के अंदर में। तो अभी इसका देखिए फाइनल टच है, इसको प्रॉपरली फिक्स करने के बाद में ये वर्क करती है। तो आप भी अपनी किसी भी गाड़ी के लिए फ्रंटी लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी गर्मी चल रही है तो ये गर्मी के लिए तो बहुत ही शानदार चीज़ है, तो ये भी आप अपनी गाड़ी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसे यहाँ पर प्रॉपरली लगा दिया है, काम चल रहा है।
ये हमारे गाड़ी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको कि जिसमें हमारे पास गाड़ी किस कंडीशन में आई थी। सेकेंड पार्ट की वर्किंग आपको मैंने बता दी है। डैशबोर्ड वगैरह हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर डाल दिए हैं। इस म्यूज़िक सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऊपर का विनाइल रैप भी इस गाड़ी के ऊपर हो गया है। फ्रंट का फ्रंटी भी यहाँ पर लगा दिया गया है। अब फाइनल टच है गाड़ी की, पूरी बढ़िया सी पॉलिशिंग होनी है और उसके बाद में ये कस्टमर को हम डिलीवर करेंगे। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो जल्दी आने वाला है, जिसमें आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि गाड़ी रेडी होने के बाद में किस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप, उसके लिए आप जो थर्ड पार्ट है उसके लिए आप वेट कीजिएगा, जल्दी मैं वो पार्ट लेकर आऊँगा। तो ये था भाई हमारा स्कॉडा रैपिड जो प्रोजेक्ट है, इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं, थर्ड पार्ट हम जल्दी डालने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पास में भी यदि गाड़ी हो, उसको आपको मॉडिफाई करवाना हो, उसको रिपेयर करवाना हो, या उसमें इंटीरियर करवाना हो, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या कोई भी सामान चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसे हम आपको होम डिलीवर कराएंगे। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।